इंडियन आइडल 12 की विनर पवनदीप राजन ने बताया कहां खर्च करेंगे विनिंग अमाउंट, ये है फ्यूचर प्लान। 15 अगस्त को पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का फाइनल हुआ। इसके विनर पवनदीप राजन बने और इंडियन आइडल 12 फिनाले के बाद से ही पवनदीप लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उत्तराखंड के रहने वाले पवनदीप राजन अच्छा गाते हैं, इतना ही नहीं वे कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं। वे 2015 में टीवी शो द वॉइस जीत चुके हैं। वे शो में अपनी सिंगिंग के साथ साथ अरुणिता कांजलाली के साथ अफेयर को लेकर भी चर्चा में थे। वे इंडियन आइडल 12 के खिताब के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। एक इंटरव्यू में जब पवन राजन से पूछा गया कि आप 25 लाख रुपए का अपना जो विनिंग अमाउंट है उसका क्या करेंगे, तो गायक ने कहा, मैं अपने जिले में एक म्यूजिक स्कूल खोलना चाहता हूं ताकि छोटे बच्चे सीख सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। उन्हें यह देखने को मिलेगा कि पेशेवर तरीके से चीज़ें कैसे की जाती। मैं शुरू से ही अपने माता पिता के साथ रह रहा हूं और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बदले में मैं जो भी कुछ कर पाया हूं वो हमेशा कम होगा। पवनदीप राजन ने यह भी खुलासा किया कि वे मुंबई में एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह अपने आप को रखते हैं। उन्होंने कहा कि अब लोग उन्हें बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर वे कोई गाना रिलीज करते हैं तो इसकी हर जगह पहुंच होगी। इंडियन आइडल को अपने सपनों के लिए एक सेतु बताते हैं। पवनदीप ने कहा कि उन्होंने म्यूजिशियन से बहुत कुछ सीखा है और मेहमानों और जजों के सामने प्रदर्शन करके वह अपना बेस मुंबई में शिफ्ट करना चाहते हैं।